तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें सीक्वल क्यूरी के बारे में। आपने वीडियो में देखा होगा कि हमने डेटा कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। आपने वीडियो में इस तरह से देखा था जिसमें हमने बताया था आपको एसक्यूएल क्यूरी कैसे राइट करते हैं उसमें। उसमें ज्यादा थोड़ा ना, तो आपका बस एक एसक्यूएल की राइटिंग का तो एक ही था कि वेयर से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इफ हम उसमें अब मैं चेंज करना क्वेश्चन मार्क लगाना बताया था ना, हाँ। लेकिन हम आज बताने जा रहे हैं कि हम पूरी की पूरी एसक्यूएल क्यूरी भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके साथ बताते हैं इसमें। सर उसमें एक वेयर की जो क्वेरी है उस पर एक क्वेश्चन है। जैसे पूछिए। आपने बताया, अगर जैन फेब्रवरी मंथ का आपने एक एग्जांपल दिया था, जनवरी करें तो जनवरी आ जाएगा, फेब्रवरी करें फेब्रवरी। अब उसमें क्वेश्चन मार्क एक जगह लगा था, मान लीजिए मैं तीन चार एन जनवरी लगेगा, टू एन एन एंड लग एन जाएगा, एन वो लगेगा, थोड़ा एन। उसमें बताना सर, मल्टीपल क्राइटेरिया कैसे दे सकते हैं, ठीक, मतलब जैन टू आपको अप्रैल इस देना हो। एसक्यूएल क्वेरी पता नहीं, इसलिए अगर एसक्यूएल क्वेरी पता होता तो आप ही पूछते ही नहीं सर। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो मैंने मान लीजिए कि एक 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 और बहुत अच्छा यूज है हमारा। अब चलिए मैं बताता हूँ एसक्यूएल क्वेरी कैसे इसमें लिखते हैं। मैं डेस्कटॉप पे एक्सेस डेटाबेस के हटा कर मैं ऑल डेटाबेस कर देता हूँ, और मुझे यहाँ पे हमारे जो सेल्स वाली फाइल है उसको उठाता हूँ, सेल्स डेटाबेस एंड ओपन। इसमें हमने नहीं, ऐसा नहीं करना, यहाँ पे करना ना। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में हम जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में जाने के बाद हम ये एक्सेल फाइल को सिलेक्ट किया एंड ओके किया। अपनी लोकेशन पे हम जाते हैं, और अपनी लोकेशन पे जाने के बाद हम अपनी फाइल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और हम अपनी फाइल हमने सिलेक्ट कर लिया सेल्स एंड ओके। उसके बाद यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आप यूज करते हैं ना सर, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखता है। तो आप ऑप्शन पे जाके सिस्टम टू टेबल्स को हम चेक कर लेंगे, चेक करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो जिस सीट में डेटा है उस सीट को देखिए, और इस सीट का डेटा, मान लीजिए पूरा डेटा आपको ले जाना है तो पूरा डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट अपना कंडीशन लगाना है तो आप कंडीशन लगा सकते हो, बनना जरूरी नहीं है कंडीशन लगाना। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ देखिए, रिटर्न डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जगह पे व्यू एडिट क्यूरी इन माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पे फिनिश कीजिए, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एडिटर आ जाएगा। ठीक है, और अपना क्यूरी लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। दिख रहा है आपको, जैसे मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा है सीट वन डॉलर के साथ। ठीक है एंड ओके। देखिए रिटा आ गया, समझ आया सर। ऐसे मान लीजिए जो कोई कॉलम नहीं चाहिए तो कोई कॉलम यहां पे आप नहीं रख सकते। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें एक चीज और करना है, ये तो चलो ठीक है। अब मुझे इसमें दो टेबल दो दो इसको करना है। अब मैं आपको इससे सीक्वल क्वेरी लिखेगा, समझ में आ गया ना सर आपको। सर आपने वो स्टार तो लिखा, लेकिन फिर से दोबारा वो पूरा आ ये जाता है लिखा हुआ आ ऑटोमेटिक, आ गया। जाता है पूरा आ गया ओवरऑल। स्टार ओके ओके, ओवरऑल का मतलब होता है ओवरऑल। मतलब पूरे कॉलम सब कुछ सही है। वेयर कंडीशन बोल रहे थे, चलिए वेयर कंडीशन के बारे में बताते हैं आपको। आप यहीं पे भी कंडीशन लगा सकते हैं। कहा गया फिल्टर क्राइटेरिया इक्वल, तो हमने यहाँ पे डेट के पे नहीं लगाया। मान लीजिए मैं लगाता हूँ, हमारा इस पे है, हाँ इस, मान लीजिए हम इस पे लगाते क्वार्टर पे। क्वार्टर पे कॉलम एडिंग है, नहीं एडिट कॉलम आ गया। हाँ यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ क्वार्टर। ठीक है, और हमने बोल दिया यहाँ पे कि मुझे चाहिए यहाँ पे क्वार्टर वन, क्यू वन, क्वार्टर वन का डेटा आ गया। अब मुझे मान लीजिए कि क्वार्टर टू भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा क्यू टू।
अब एंड से नहीं आया क्योंकि एक ही सेल में वो और एंड दोनों दिख रहा है, तो यहाँ पे और कमांड देना पड़ेगा। अब इसका सीक्वल क्यूरी क्या होगा, क्यूरी यहां देख सकते हैं, वेयर C21.Q1 और C21.Q2। अब यहाँ पे जब आपके पास ए होता मतलब कि क्राइटेरिया बिटवीन होता तो एंड लगाते, यहाँ बिटवीन नहीं है सर, और तो कुछ और चीज डिनोट कर रहा है दोनों में से कोई एक। हाँ तो दोनों आएगा ना, अब एक क्वार्टर वन के ऊपर एक सेल के ऊपर खाते क्वार्टर वन होगा या क्वार्टर टू होगा, दोनों तो नहीं ना होगा, जब आप एंड लगाओगे तो दोनों को मैच करेगा ना। ओके अब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इसमें ये कर देता हूँ, जोन के बाद एमआरपी दे देता हूँ, मान लीजिए सर क्वार्टर थ्री भी देना हो, तो ऑफिस और लग जाएगा इसमें, मतलब और करते लगाते रहेंगे। हाँ मान लीजिए हमने हटाइए इसको, हाँ और क्राइटेरिया है मैंने यहाँ पे दे दिया कि ग्रेटर देन 10,000 और एंड लेस देन 20,000। मुझे अब देखिए तो यहाँ पे एंड क्राइटेरिया दिया गया क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो सकते हैं और इसकी सीक्वल क्वेरी अब वेयर कमांड में देखिए एंड लगा, समझिए सर। तो अगर आपको सीक्वल क्वेरी पता है तो अपने हिसाब से यहाँ सीक्वल क्वेरी रख सकते हो। सर मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है, एसक्यूएल है क्या मतलब जैसे देखिए एसक्यूएल एक डेटाबेस है, जैसे एमएस एक्सेस है, आपका सैप है और बहुत सारे डेटाबेस है ना आपके पास, ऐसे एसक्यूएल सर्वर होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, और एसक्यूएल एक स्टेटमेंट क्यूरी लैंग्वेज है जिसके जरिए हम अपना क्यूरी लगा के डेटा को फिल्टराइज करते हैं या फिर डेटा को हैंडल करते हैं। अच्छा तो बेसिकली क्यूरी में अगर हम बात करें तो क्यूरी में बेसिकली चार तरह की क्यूरी होती है, सिलेक्ट क्यूरी, इंसर्ट क्यूरी, अपडेट क्यूरी एंड डिलीट क्यूरी। सिलेक्ट क्यूरी डेटा को शो करने के लिए होता है कि किसी भी डेटा को किसी अलग अलग कंडीशन पे डेटा को शो करना, दैट इज अ सिलेक्ट क्यूरी। किसी नई डेटा को नीचे अपेंड करना तो इज आपका इंसर्ट क्यूरी, और इंटी गई डेटा को चेंज करना इज अपडेट क्यूरी, और डेटा को डिलीट करना इज द डिलीट क्यूरी। तो डेटा के साथ हैंडलिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे कमांड चलते हैं, जैसे मुझे डेटा चाहिए और डेटा चाहिए फिल्टर डेटा चाहिए, मान लीजिए कि मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, ओवरऑल डेटा आ गया, जैसे कि मैंने इसको ग्रुप बाय कर दिया, इसको काउंट आ गया, दिख रहा है आपको सर। तो यहाँ पे इसका काउंट क्यों आया, एक मिनट मैं यहाँ इसको हमारा जो अमाउंट है अमाउंट को हम यहाँ से सम ऑफ अमाउंट हो गया, लेकिन इसकी सीक्वल क्वेरी देखेंगे सर ये ग्रुप किसके बेसिस पे कर रहा है, वही तो यहाँ पे एक ग्रुप जो है ग्रुप बाय C21Q, अब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि किसके बिहाफ पे करना है ग्रुप, तो हमने ग्रुप कर दिया क्वार्टर वन के बिहाफ पे, क्वार्टरली की क्वार्टर के बिहाफ पे, एंड ओके कीजिएगा, एंड ओके कीजिएगा, क्या हो गया ये पूरा नहीं ना आएगा, ये हटाना पड़ेगा बाकी को,
ये रहा, सिलेक्ट सम ऑफ अमाउंट एज ए सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम क्वार्टर वन ग्रुप बाय सीट वन क्यू वन. ठीक है, आप बोलोगे कि इसमें क्वार्टर वन की क्वार्टरली रिपोर्ट क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये नहीं किया था ना. अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ इसको पेस्ट कर दूं, अब देखेंगे कि आपका क्वार्टर भी आएगा. ठीक है सर, नहीं आ रहा समझ में. लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है. हाँ, तो बेसिकली सीक्वल क्वेरी समझेंगे तो समझ में आएगा आपको. देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे समझ में आइए कि ये यहाँ पे इसको मैं क्लिक कट कर देता हूँ और यहाँ हटा देता हूँ. जाइए, अगर आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्टिकुलर शीट, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल डेटा आएगा. समझ गए, आपको सिलेक्ट किसी पर्टिकुलर कॉलम को करना है. जैसे मुझे चार कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ पे चार कॉलम रख दीजिए, तो आपका फिर वो चार कॉलम ही शो होगा. ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा पूरा आ जाता है, इसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर मैंने कर दिया कि सिलेक्ट क्वार्टर वन जोन और डेट फ्रॉम सीट वन, अब मेरे डेटा में देखेंगे कि ये आपका सिंटैक्स एरर. तो जैसे मैंने लिख दिया क्वार्टर वन जोन एंड डेट, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, कॉमा नहीं होना चाहिए था. तो आपके देखिए कि तीन सीट हमने सिलेक्ट किया तो तीन ही आएगा. ठीक है ना, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अब कंडीशन लगा रहा आपको, तो कंडीशन में आप यहाँ वेयर दे सकते हैं कि वेयर और अपना जिस फील्ड के ऊपर कंडीशन लगाना है उस फील्ड के ऊपर अपना कंडीशन लगा सकते हैं एंड और देके, ये लैंग्वेज होता है. लेकिन मुझे ग्रुप, मान लीजिए कि मुझे ग्रुप बाय चाहिए, मुझे समरी चाहिए कि मैं क्वार्टरली टोटल देखना चाहता हूँ अमाउंट का, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ. पर प्रॉब्लम ये है कि हमें क्वार्टर भी तो फील्ड चाहिए. अगर क्वार्टर फील्ड रखेगा सिर्फ अमाउंट का फील्ड आएगा. सम हमने फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ सीट वन अमाउंट वन फ्रॉम सीट वन. अब इसमें अगर मैं ओके करता हूँ तो मेरा रिजल्ट गलत आएगा. क्यों? क्योंकि इसमें हमने ग्रुप बाय नहीं दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ ग्रुप बाय देना पड़ेगा. समझ गया ना, तो SQL है. अब इसको समझने के लिए आपको SQL क्यूरी को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपने SQL क्यूरी अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आपको मैं एक वेबसाइट का लिंक देता हूं जहां पे आप SQL की क्यूरी के बारे में जानेंगे. नहीं, ठीक है, ये रहा आपका सिक्कल. तो इस लिंक को, इस लिंक में पूरे कमांड दिए गए हैं. मैंने बताया था आपको कि सिलेक्ट कमांड होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, ऐसे इसके और भी बहुत सारे हैं. तो आप इस वेबसाइट में सिक्कल को पढ़ोगे तो आपको सिक्कल के बारे में समझ में आ जाएगा. ठीक है सर, आप कराते हो वैसे SQL? हाँ, SQL में MS Access के साथ कराऊंगा. अच्छा, सर इसमें कोई भी DB यूज कर सकता है ना, SQL या कोई Excel फाइल या एनी काइंड ऑफ डेटाबेस? हाँ, ठीक है सर. जब तक आप ये कर रहे हो, एक चीज पूछूं मैं आपसे, तब तक अब तक आप ये कर रहे हो, पूछिए. आपको, आप ये भी, आपने WFM में काम किया क्या कभी? नहीं सर. अच्छा, मैं भेज दिया लिंक आपको. तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है. तो इसमें देखने के बाद एक चीज, इसमें आप अपने हिसाब से SQL क्यूरी लिख सकते हो, लेकिन इसका SQL क्वेरी हम क्यों लिखते हैं,
इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, आप यूनियन और यूनियन ऑल क्यूरी जो है पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है? तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा कि मान लीजिए कि आपके पास दो या दो से ज्यादा डेटाबेस है, तो पिवट टेबल में आपको याद होगा मैंने रिलेशनशिप पढ़ाया था, हाँ जी, रिलेशनशिप में हमने बताया था कि हमको रिलेट करना, जैसे मान लीजिए कि एक पार्ट इसमें है एक पार्ट उसमें नहीं है, तो वहां से हम उसको लुकअप कर लेते हैं रिलेशनशिप के जरिए। लेकिन मैं बोलता हूं कि मान लीजिए कि आपने जैसे बताया आपको कि आपको तीन जगह पे आपका डेटा होता है, और आपको एनालिसिस करने के लिए तीनों जगह के डेटा को पहले एक सीट में मर्ज करना होता है, एक के नीचे एक के नीचे एक, फिर उस पर आप एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए ना मेरे कंपनी सेल जो है तीन प्रोडक्ट की सेल करता है, और तीन प्रोडक्ट का सेल तीन अलग अलग लोकेशन या डिपार्टमेंट में होता है, तो तीनों डिपार्टमेंट मुझे अपने सेल्स की डेटा भेजता है, मुझे अपने पे ओवरऑल सेल्स की डेटा चाहिए, तो पहले मैं तीनों प्रोडक्ट के सेल के डेटा को एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा, आफ्टर देन मैं उस पर पिवट लगाऊंगा या जो भी समराइजेशन करना है, ताकि मुझे टोटल एग्जैक्ट सेल निकल जाए। तो मुझे तीनों को कॉपी पेस्ट करना होता है, खाया तो एक एक फाइल में तीन अलग अलग सीट पे हो सकते हैं या फिर तीन अलग अलग फाइल हो सकते हैं, लेकिन मुझे बिना कॉपी पेस्ट किए हुए उसको पिवट लगाना है और उसको अपडेट भी करना है। सर, ये तो अपेंडिंग हो गया ना, मतलब हम इसमें कोई रिलेशनशिप तो नहीं क्रिएट कर रहे, तीन टेबल को हम एक में कंबाइन कर, नहीं हो रहा, तीनों टेबल सेम फॉर्मेट का है और हम इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ओके, और कोई रिलेशनशिप इसमें नहीं है, इस वाले केस में नहीं है। इस वाले केस में हमें मैनुअल करना पड़ता है, कॉपी पेस्ट करना पड़ जाता है, और मान लीजिए कल के रेट में मुझे अपडेट करना है, तो फिर मुझे एक वापस कॉपी पेस्ट करके फिर उसको सॉर्टिंग करना पड़ता है, ताकि वो डेटा सिक्वेंस आ जाए वन बाय वन। ठीक है सर, तो हर बार थोड़ा सा लफड़ा होता है, तो मैं चाहता हूँ कॉपी पेस्ट ना करना चाहूँ, मेरा तीनों फाइल सिलेक्टेड हो, तीनों फाइल मेरा अपडेट हो, या तीनों डेटाबेस अपडेट हो, या अपने आप हो जाए। ठीक है सर। सर और एक चीज और थी, जैसे कल आप वो भी बताना जिसमें क्वेश्चन मार्क डाला था आपने, उसमें अगर हम मल्टीपल क्राइटेरिया का क्वेश्चन मार्क डाल दें एंड और का जो आप जो है, देखिए आप जैसे कि वो मैं कल क्यों, मैं अभी बता देता हूँ, कल का इंतजार क्यों करेंगे आप। देखिए जैसे कि आपने अगर मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का इस्तेमाल किया, और माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी इस्तेमाल करने के बाद हम यहाँ पर फाइल ले लेते हैं, यहाँ मान लीजिए कि मैंने एलसी डेटाबेस को ले लिया, राइट, सीट वन ओवरऑल, नेक्स्ट। अब यहाँ पे जैसे मैंने कंडीशन लगा दिया कि मुझे इक्वल यहाँ पे चाहिए, नहीं क्वार्टर, पहले इस पे लगाता हूँ ना, हाँ इक्वल, और मैंने लगा दिया इस पे कि मुझे चाहिए क्वार्टर वन, राइट, और फिर मैंने इस पे जोन पे लगा दिया कि जोन इक्वल होना चाहिए मान लीजिए ईस्ट को, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश एंड ओके, डेटा आ गया, ईस्ट जोन है क्वार्टर वन। अब मैं यहाँ N1O1 पे दोनों लिखना चाहता हूँ, कि मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ क्वार्टर टू, और यहाँ देना चाहता हूँ नॉर्थ, हेलो, हाँ जी सर, सॉरी सर, मोरम रीस्टार्ट हो गया था। तो जैसे कि मैंने यहाँ दिया, ये समझ में आ गया आपको, अब मैं इसको क्यूरी को लिंक करना चाहता हूँ, तो डेटा में गए और गया मैं कनेक्शन में, और मैंने इसको प्रॉपर्टीज में गया और डिफिनेशन पे गया, तो यहाँ पे आप नीचे देखिए दो कमांड है ना, क्वार्टर वन और ईस्ट, मैं दोनों के जगह पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है,
और जैसे मैं क्वेश्चन मार्क दिया ओके किया तो मुझे पैरामीटर वन मतलब कि पहला क्वेश्चन मार्क का पैरामीटर वन मतलब कि मुझे क्वार्टर चाहिए, तो मैंने इसमें दे दिया आपका एन वन, ठीक है। और फिर ओके करेंगे फिर दूसरा मेरा पैरामीटर पूछेगा तो मैं यहाँ पे दे दूंगा एन टू। ओ ओ वन ठीक है एंड ओके एंड क्लोज ओ वन एन वन एन ओ वन। तो क्वार्टर टू है अगर मैं इसको डिलीट करूं, नहीं दोनों होना चाहिए एंड का लगा हुआ है इसमें इसलिए ना। अरे नहीं ओवर टू दिया है आपने, ओ टू दिया है, ओ टू ओ टू दिया है, नहीं ओ टू नहीं है, नहीं नहीं ओ टू नहीं है। यहाँ पे मैं ईस्ट करता हूँ क्वार्टर थ्री करता हूँ क्वार्टर नहीं क्वार्टर वन एन ओ आर। एक मिनट पैरामीटर में दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे चेंज करता हूँ तो ये रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पे कर दिया ईस्ट कर दिया तो देख रहे कर्सर घूम रहा है सर, क्वेरी देखिए ना एक बार खोल के। हाँ एक बार क्वेरी देख लेता हूँ, सही बताया आपने। क्वेरी में तो आपका क्वेश्चन मार्क ही होगा ना, पैरामीटर देख लेता हूँ मैं। पैरामीटर में एन वन है, सही तो है एन वन, और दूसरा पैरामीटर है ओ वन। ओके इसमें मैं रिफ्रेश ऑटोमेटिकली पे नहीं क्लिक नहीं किया था मैंने, ना दिख रहा आपको ये दिक्कत हो रही है। हाँ जी हाँ जी, तो हमें सर मैनुअली करना पड़ेगा उसपे क्लिक। ओके दोबारा नहीं इसमें दोबारा से हम ये कर देंगे यहाँ पे एडिट क्यूरी पे, एडिट क्यूरी के इस तरीके। हाँ पैरामीटर्स पे जाते हैं और मैं पहला पैरामीटर हमारा जो है पहला पैरामीटर यहाँ पे आते हैं आके हम इसको दे देते हैं और रिफ्रेश ऑटोमेटिकली कर देते हैं। आ गए डॉक्टर सर? हाँ जी नॉर्थ आ गया। हो गया सर, तो क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए और आप पैरामीटर डाल दीजिए, ठीक है। तो आप एसक्यूएल क्वेरी को स्टडी कीजिए और हम अगली क्लास में इसके बारे में जानेंगे, ठीक है सर। सर आजकल आज वाला वीडियो आप YouTube में अपलोड कर रहे हैं? आप कहेंगे तो कर देंगे, तो कर देंगे प्लीज। ठीक है लिंक जरा शेयर कर देंगे, वुड बी फाइन, थैंक यू। ठीक ठीक है सर, ओके बाय जी, बाय बाय सर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।